हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बनाते हैं दही के शोले, जो बनाना बहुत ज़्यादा ही आसान है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है बारीक कटी हुई प्याज, शिमला मिर्च, और यहाँ पर मैंने लिया है बारीक कटी हुई गाजर, टमाटर, और लेंगे यहाँ पर हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई हरा धनिया। इन सब चीज़ों को मैंने बारीक कट कर लिया था। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया एक कप दही, जिसको मैंने हैंग करके रख दिया था। हैंग करने के बाद इसका सारा पानी निकल गया, और यहाँ पर हम डालेंगे 2 टीस्पून मेयोनीज़। मेयोनीज़ डालने के बाद इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, लाल मिर्च पाउडर, और इसमें मैंने डाला है नमक। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमारी स्टफिंग जो है बनके रेडी हो गई है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड, तो हम यहाँ पर ब्रेड लेंगे। एक एक करके हम सारी ब्रेड की साइड्स को अलग कर देंगे। तो गाइज, इसी तरीके से हम सारी ब्रेड की साइड्स को अलग कर देंगे, और जो इसकी साइड्स होती है इसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, इसका ब्रेड क्रम्स बना लें। तो गाइज, हमारी ब्रेड की साइड्स जो है वो कट हो गई है। अब यहाँ पर हम एक बाउल में लेंगे पानी, और पानी लेने के बाद इसके साइड्स को हल्का हल्का डिप करेंगे, बहुत ज़्यादा डिप नहीं करेंगे, वरना ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमने ब्रेड की साइड्स को हल्का सा गीला कर लिया है। और करने के बाद अब यहाँ पर हम इस तरीके से, कोई भी आप पैकेट ले सकते हैं, या फिर एक मैंने यहाँ पर एक पॉलीथीन ली है इस तरीके से, इसमें अब हम रख देंगे ब्रेड को। और ब्रेड को रखने के बाद हमने जो स्टफिंग बनाई थी, हम स्टफिंग को लेंगे और इस तरीके से ब्रेड पर रख देंगे। तो यहाँ पर हम जब स्टफिंग को ब्रेड पर रख देंगे, और हल्का सा हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमें कैसे फोल्ड करना है, जिससे हमारा शेप जो है वो एकदम परफेक्ट बने इसका। तो बस हमें इन्हें हल्के हाथों से इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। फोल्ड करने के बाद दोनों साइड से हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे। बस इस तरीके से हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, ताकि इसकी जो शेप है वो फिक्स हो जाए, बिल्कुल भी बिगड़े नहीं, फ्राई करने में ये खुले नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इस तरीके से शेप बन के रेडी हो जाएंगे। तो गाइस, इसी तरीके से हम सारी दही के जो शोले हैं उनको बना के फटाफट से रेडी कर लेंगे। तो हमें सेम यही प्रोसेस करना है, ब्रेड को हल्का हल्का साइड से डिप करना है, ताकि साइड्स जो है वो सॉफ्ट हो जाएं, और सॉफ्ट होने के बाद हमको स्टफिंग रखने के बाद इसी तरीके से फोल्ड करते जाना है। तो गाइज, आप इसको ब्रेड रोल भी कह सकते हैं, दही के ब्रेड रोल भी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही आसान रेसिपी, और बनाने में भी एकदम इजी है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मेरी हर वीडियोस को सपोर्ट करें। तो गाइज, हमारे दही के सारे शोले बनके रेडी हो गए हैं। अब इन्हें हम करेंगे फ्राई। आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट शेप में बने हुए हैं। तो चलिए, अब इन्हें हम कर लेंगे फ्राई। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन। पैन में हम डालेंगे ऑयल को, और ऑयल डालने के बाद अच्छे से इसको गर्म कर लेंगे ऑयल को हम। तो गाइज, ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया। अब इन्हें हम करेंगे फ्राई। तो अब एक एक करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। कि हम इसको इस तरीके से गोल्डन होने तक का फ्राई करेंगे, दोनों साइड से अच्छे से अलट पलट के। आप इसको इवनिंग स्नैक्स में भी बना सकते हैं, या ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है, और हेल्दी भी है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर बना के ट्राई करके देखें, और टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है। तो गाइज़, आप देख सकते हैं कि हमारे जो शोले हैं वो गोल्डन हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हमारे सारे बचे हुए शोलों को हम फ्राई कर लेंगे। तो गाइज, हमारे सारे दही के शोले जो हैं वो फ्राई होके रेडी हो गए हैं। अब चलिए इन्हें हम सर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं, और टेस्टी भी है। तो आप किसी भी सॉस या चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं।
तो चलिए अब इसे हम कट करके भी देख लेते हैं कि ये अंदर से भी कैसा लग रहा है और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए आप देख सकते हैं गाइज, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।